बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज को ब्लॉग कुछ है ऐसो कि आज हम अपने गांव में ही ब्लॉग बनाए रहेंगे कि वह तारीख है 2 तारीख 8वां महीना 2022 और आज के दिन पर हैगी नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के बारे में हम दिखा रहे हैं अपने गांव में काका होते हुए काका नाग होते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे उसको इस वक्त। तो जहाँ तक जब गाँव माने के संग में हम वीडियो बना रहे हमारे गाँव वाले लोग हमारे संग जल्दी एग्री ना हो कि गांव का मामला लोग कहाँ ला जो क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे, लेकिन देखें कोशिश करके अगर बन जाए तो अच्छी बात हैगी। ठीक है उसके बाद हम तुम्हें बता रहे हैं नाग पंचमी। तो नाग पंचमी वाले दिन काका होत करूँ बता कुछ पता है ना है हमारे यहाँ के कुछ बाबा जी आए हैं उनसे कुछ पूछ रहे का है। इधर आबो सामने आबो जरा सामने आबो देखो ये हसन वाली बोलने ठीक है। और अच्छा आज नाग पंचमी है ना आज अच्छा तो नाग पंचमी दिन का मतलब खास हर के गांव में का होता है कोई खास बात होता है इसमें खास बात ये होती है कि दूध पड़ता है नाग देवताओं का अच्छा और शाम को बग्गा लगती है अच्छा तो नाग देवता दूध अच्छा तो दूध चलावन जाते हैं इकल्ले ही चलावन जाते हैं सब लोग गांव के सब लोग साथ ही अच्छा अच्छा तो दूध चलाने कोई टाइम होता ही वो कितने खन्ना है 8-9 बजे तक चढ़ जाना चाहिए अच्छा 8-9 बजे तक चढ़ जाना चाहिए उसके बाद वो दूध का दूध नांग देता पी जा जाए वो मतलब घर पे ले आओ का हो तो घर छिड़का जाता है ना अच्छा अच्छा पवित्र के मतलब एक प्रसाद के रूप में अच्छा 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 तो और अच्छा उसके पहले कुछ खाना पीना मतलब घर पे बनता नहीं बनता नहीं, मतलब चूल्हा भी नहीं जलेगा अच्छा चूल्हा भी नहीं जलेगा तो हमारे गाँव की ये प्रथा है मतलब जब तक दूध नहीं चढ़ जाता नांगदेव के लिए तब तक मतलब जो है चूल्हा भी नहीं जलता है लो अच्छी बात है ये भी एक श्रद्धा की बात है। और जहाँ तक अच्छा इनसे एक बात पूछते हैं इन्होंने एक बात कही जो शाम को पग्घार ये पग्घार पग्घार मतलब क्या होता है पग्घार में क्या होता है इसमें देवी का त्यौहार होता है अच्छा देवी का त्यौहार होता है मतलब देवी कौन सी गांव का पूरा घेरा बांधने पड़ता है अच्छा गांव के मतलब चारों तरफ घूमने का रस्सी से बांधना पड़ता है क्या मतलब क्या होता है पग्घार होती है अच्छा पग्घार अच्छा मतलब पग्घार में जैसे आपने कहा था धार लगती दूध की धार लगती गेरू धार लगती है शराब लगती है अच्छा ये मतलब 3-4 चीजें हैं जो मिक्स में करके मतलब पूरे गांव के चारों तरफ घुमानी पड़ती है ना यही तो है ना अच्छा तो इसमें तो काफी खर्चा आ जाता होगा खर्चा कौन देता है इसका अच्छा गाँव वाले ही देते हैं मतलब गाँव से चंदा इकट्ठा करके और जो मेन मुखिया होते हैं उनके पास जमा करके ये सब खरीद के लाते हैं वही लोग सब लोग करते हैं ना लो अच्छी बात है। हम गांव वाले के साथ में हैं और गांव वाले हमें बता रहे हैं कुछ काफ़ी कुछ लोगों ने बताया है मतलब यहाँ पे आज हमारा एक पर्व है मतलब पूजा स्थल का पर्व है तो उसके बारे में बताया। चलो हम चलते हैं जितने टाइम दूर दूर चढ़ता है तो उन लोगों के साथ चलते हैं दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं लोग अभी आगे बढ़ के बता रहे हैं आपको। तो एक बता दें ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों की ये वीडियो जो है ऑल इंडिया छोड़ो देशों विदेशों में ही जाएगी तो आप लोगों को इतराज तो नहीं है दिखाने में कोई इतराज नहीं है एक बार हाथ ला के कह दो कोई इतराज नहीं है हमको चलो अच्छी बात है हमारे गाँव वालों ने कह दिया कोई इतराज नहीं तो मैं इसको यूज करूंगा और दिखाऊंगा और आगे जिसके चलता हूँ क्या क्या। तो भाई सभी लोग आ गए हैं घर से नहा धो के फ्रेश होकर हमारे पूजा स्थल पर और चला रहे हैं दूध और ये जा रहे हैं दूसरी जगह पर आ गए हैं दूध चलाने के लिए जहाँ पर दूसरी जगह भी पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष में सभी लोग एक साथ चढ़कर चप्पलें अपनी बाहर उतार दे रहे हैं और दूध चढ़ा रहे हैं और दूध चढ़ाने के बाद अब ये चल रहे हैं तीसरी जगह पे। तो तीसरी जगह पे यहाँ पे एक मंदिर बना रखा है इन लोगों ने बहुत बड़ा मंदिर है तो पूरे गांव वालों के सहयोग से ये मंदिर बनाया है इन लोगों ने और इस मंदिर में आ गए हैं ये लोग और एक गेट से एंट्री कर रहे हैं दूसरे गेट से एग्जिट कर रहे हैं मतलब एक गेट से अंदर जा रहे हैं दूसरे गेट से बाहर आ रहे हैं और शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं दूध सभी लोग गाँव के दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर जैसे आप लोग देख पा रहे हो पूरे गांव के लोग मिलकर ये करते हैं जा रहे हैं दूसरी जगह पे जाने चौथी जगह में दूध चढ़ाना है अब सब लोग एकत्र होकर चौथी जगह के लिए प्रस्थान करने वाले हैं पर यहाँ पे कई जगह पे दूध चढ़ाना पड़ता है गेट पर भी अभिषेक करना पड़ता है और आ गए हैं यहाँ पर सभी लोग अब जो यहाँ पे आए हैं हमारी चौथी जगह पर एक नीम का पेड़ है जो नीम के पेड़ के पास यहाँ पर ये दूध चढ़ा रहे हैं नाग देवता के लिए ने पूरे गांव वालों ने मिलकर से कुछ चार जगह प्रसाद चढ़ाओ है तो लो अच्छी बात है। अच्छा प्रसाद में काका चढ़ाओ तुमने हड्डी है चावल है दूध है नीम की टहनी है कोयला है अच्छा अच्छा
ये सब पकौड़ा है, सभी लोगों ने चढ़ाया ये सब कुछ? हाँ, वो तो अपना अपना मत है। अच्छा, कोई अपने चना चढ़ाता है, अच्छा, कोई कुछ भी चढ़ाता है। जैसे हम थाली में देख रहे हैं, इन्होंने चढ़ाया है तो हालांकि चढ़ा दिया, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी कुछ तो महसूस होता है, तो अच्छी बात है। अब तो ये तो मतलब अपने जो उत्तर प्रदेश में हर गांव में ऐसा होता होगा, हर गांव में ऐसा, तो अपने उत्तर प्रदेश की ये संस्कृति है, हर गांव में ऐसा होता है। और इन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया है हमारे इस वीडियो में, और इनके लिए हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और भाई साहब, ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद यहाँ पे गेट के सामने नाग देवता बनाए जा रहे हैं, दोनों तरफ गेटों को ही बनाए जा रहे हैं, और ये नाग देवता बना दिए हैं, बहुत ही सुंदर नाग देवता बने हुए हैं, अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं इसको, फिर देखते क्या होता है और किससे बनते हैं नाग देवता, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। गेट के ऊपर एक डिज़ाइन बन रही है नाग की, और ये इन्होंने बना दिया एक तरफ गेट के, और दूसरी तरफ भी नाग देवता का चित्र बना दिया है गेट के, और इन्होंने हल्दी दूध कोयला से बनाया हुआ, जो हल्दी दूध कोयला का मिक्सर है आप देख पा रहे हो, इससे बनाया हुआ है।